नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट पे सचिन बोरा फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्क्वाड ड्राइव के बारे में। स्क्वाड ड्राइव बिल्कुल जिस तरह से आप कवर ड्राइव मारते हैं उसी तरह की होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बैट का एंगल चेंज होता है। कवर ड्राइव जो है लगभग ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर की बॉल में खेला जाता है, और जो ये स्क्वाड ड्राइव है ये थोड़ा सा और भी बाहर, यानी लगभग तीन स्टंप ये रहते हैं तो छठे स्टंप में लगभग जो बॉल जाती है, छठे स्टंप मान के चलो, तीन स्टंप और मान के चलो, उस स्टंप में जो बॉल जाती है उस बॉल पर स्क्वाड ड्राइव मारा जाता है। इसकी बेसिक ड्रिल भी बताऊंगा और उसके बाद आपने किस टाइप से इसमें प्रैक्टिस करनी है वो भी बताऊंगा। दोस्तों अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही बॉल आपकी थर्ड स्टंप में आती है, देखो ये यहाँ पे स्टंप है, लगभग इस एरिया की बॉल को ज़्यादा नज़दीक होगी तो आपकी उसमें स्क्वाड ड्राइव नहीं लगेगी, उसमें आपकी कवर ड्राइव लगेगी। और आप बिल्कुल इस एरिया की बॉल को आप मार सकते हैं खड़े बैट से, यानी एल्बो ऊपर करके। ये वाला जो शॉट है इसको थोड़ा सा क्या है, मारना ऐसी है लेकिन जो बैक लिफ्ट है आपको इस साइड से आएगा बैक लिफ्ट, ये देखिए, और बॉडी वेट आगे जाएगा पैर की तरफ और इस टाइप से इसको मारा जाता है। हल्का सा आप बैठ के भी मार सकते हो, खड़े खड़े भी मार सकते हो, ज़्यादातर मैक्सिमम क्या है बैठ के क्या है अच्छा टाइमिंग बनता है। इस टाइप से आएगा पैर, बॉल यहाँ पे है और आप यहाँ से इस एंगल में लाएंगे बैट को, इस एंगल में लाते हुए स्क्वाड ड्राइव लगेगा। देखो यहाँ पे अगर खड़ा करते हो तो वो कवर ड्राइव हो गया या एक्स्ट्रा कवर ड्राइव हो गया, लेकिन स्क्वाड ड्राइव जो है थोड़ा सा और आगे की बॉल और ऐसे करके इस टाइप से मारा जाएगा। बैट का एंगल ये रहेगा, फेस एकदम खुला रहेगा बैट का, अप डाउन नहीं होगा। अब इसमें जो बेसिक स्टार्ट से प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब स्टार्टिंग में आपने इस तरह से कौन ड्रिल करना है, कौन से कंटिन्यू उतने लेंथ की एरिया में रखना है बॉल को, उसके बाद फुल टॉस बॉल से प्रैक्टिस करानी है। अगर आप बच्चे हैं तो एकदम उसी एरिया में देखो, उसी लेंथ में, उसी लाइन में डालना है। फिर उसके बाद जहाँ पे बॉल एक्चुअल में गिरती है उस एरिया में डालना है, अंडर आर्म डालना है, इस तरह से कंटिन्यू बैट स्विंग और इस तरह से करना है। हल्का सा खड़ा बल्ला या हल्का सा स्लैंटिंग वाला बल्ला जो कि एंगल बना के आता है, इस टाइप से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जाके आप फुल पिच में जाके इस टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे लेंथ हो सकता है, बिल्कुल फुल लेंथ और हल्का सा पीछे को इस बॉल, दोनों बॉल में आप इस शॉट को खेल सकते हैं।